एक समान नहीं होता है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, तो उनको असेस करने के लिए हमारे यहाँ 4-5 क्लासेस हैं, तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, ये कमाल ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन की महिलाओं ने कर दिखाया है। उन्होंने खारघर में दिव्यांग बच्चों को एक नई सोच, एक नई दिशा दी है। ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन की ओर से शारदा सदन प्लॉट नंबर 54 सेक्टर 20 नियर केसर गार्डन खारघर नवी मुंबई में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग सेंटर चलाया जा रहा है। इन महिलाओं ने सामाजिक कार्य से जुड़े कई कार्य कर न केवल अपना नाम रोशन किया है, बल्कि देश भर में इनके कामों ने दिव्यांग बच्चों को एक नई सोच, एक नई दिशा दी है। इन महिलाओं की मेहनत और लगन ने ऐसे बच्चों को भी समाज में खड़ा रहने की काबिलियत दे दी है, जिससे कि ये बच्चे भी समाज में कुछ कर दिखाने का हुनर रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चारुलता डोंगावकर है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैं दिव्यांग स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो 2.5 साल के ऊपर के बच्चे रहते हैं, 2.5 साल से रहते चलते और 46 ईयर्स के तक बच्चे यहाँ पे आते हैं। हर बच्चा एक अलग अलग एक विशेषता लेके आता है। माना कि ये बच्चे पढ़ाई में ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के गुण भी होते हैं। हम यहाँ पे, मैं और हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनको गुण पहचान के उनके उसके ऊपर काम करते हैं, ताकि ये बच्चे आगे अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा स्पेशल ये स्कूल्स, इसका नाम स्पेशल स्कूल ना हो के इसका नाम नॉर्मल स्कूल ही हो, ताकि ये बच्चे समाज में एकदम नॉर्मल रहे और समाज भी उनको उतना ही एक्सेप्ट करे। देखिए, ये जो संस्था है, हमारे जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ही अभी तक हम चला रहे हैं। हमारे यहाँ 21 ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली बिल्कुल ही पुअर है, हमें पैसे नहीं मिलते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चा आता है हम ये दरवाजे से किसी को लौटाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो बच्चे एकदम ही इनोसेंट रहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो हमारे दरवाजे पे आए उनको हम शिक्षित करें या उनको हम अच्छे अच्छे थेरेपी दे के यहाँ से ये करें, पास करें। लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से हम लोग उनके पैसे नहीं लेते हैं। अभी तक तो सरकार ने या फिर किसी एनजीओ में हम लोग देख ही रहे हैं कि कोई हमें सहायता करे। हमारा प्रयास चालू ही है कि कोई हमें सहायता करे और इन बच्चों की पढ़ने में और थेरेपीज में मदद करे। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयप्रभा आसोरे, मैं भी ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन की एक मेंबर हूँ। इस ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन की शुरुआत जहाँ से हुई थी वो एक्चुअली 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में काम करते हुए समझ में आया काम करते हुए कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के अंदर, जैसे स्कूल के अपार्ट जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जाते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बच्चे काम करते हैं, तो उनको स्कूलिंग देना, उनको स्कूल के मेन स्ट्रीम में लाना, ये एक पर्पस था। और उसी के साथ में वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे दिखे जो दिव्यांग है और उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो ये सब सोच के, और जैसे बोला था कि समर कैंप एक हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो ध्यान में रखते हुए एक अंडर रूफ ये सब हम कैसे उनको फैसिलिटी दे सके, ये सोच के डॉक्टर स्वाति खड़े जो हमारे साथ में है उनके सहयोग से ये ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन की हमने स्थापना की। और उसके अंडर फिर हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन करना स्टार्ट किया। जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो मेन मोटो ये भी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, और साथ में ये भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हर बालक विशेष होता है और हर विशेष बालक की विशेष गुणवत्ता होती है, उसको सिर्फ देखना है और उसको निखारना है और उसी के साथ में उसको स्वावलंबी बनाना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते, मैं स्मिता, मैं ये एनजीओ से हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ की। हमारा एनजीओ 5 साल से काम कर रहा है दिव्यांग और वंचित जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, लेकिन ये हम काम पिछले 15 से ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एनजीओ है ये पिछले 5 साल से रजिस्टर हुआ है। और ये काम जैसे कि दिव्यांग बच्चे हैं, साथ में जो कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चे रहते जो कि माइग्रेटेड रहते उनके लिए हम काम करते, उनको हेल्थ एजुकेशन
भी देते हैं, साथ में नॉर्मल एजुकेशन देके उनको नॉर्मल स्कूल में हम रजिस्टर करवाते हैं ताकि वो स्कूल में जाके एजुकेशन ले। साथ में साथ वो जो वीडभट्टी रहता है वहाँ पे जाके भी हम इनको एजुकेशन करवाते हैं ताकि उनको एजुकेशन मिले। ये हमारा एक मोटो है, ये हमारे एनजीओ का। नमस्ते, मी डॉक्टर चेतना पाटिल। ही ब्यूटिफुल टुमारो फाउंडेशन ही संस्था वेगवेगळ्या कार्यामध्ये कार्यक्षेत्रामध्ये आहेच, पण ज्यावेळेस आम्ही वीटभट्टी किंवा इतर ठिकाणी ज्यावेळेस आम्ही काम करायला सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला लक्षात आलं की दिव्यांग विद्यार्थी किंवा विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंगची आणि शिक्षणाची खूप गरज होती आणि म्हणून आम्ही एक समर कॅम्प घेतला आणि त्या समर कॅम्पमध्ये त्या मुलांना ट्रेनिंग द्यायला सुरुवात केली, त्यांचे थेरपीज घ्यायला सुरुवात केली छोट्या स्वरूपात। पण त्या समर कॅम्पमध्ये आम्हाला पॅरेंट्सकडनं खूप चांगला रिस्पॉन्स आला की खूप छान तुम्ही आमच्या मुलांना सांभाळले आणि मग तुम्ही असा प्रकारचं काही सेंटर का नाही चालू करत की जे फक्त दिव्यांग मुलांसाठी काम करेल, दिव्यांग मुलांना ट्रेन करेल। आणि मग त्याच संकल्पनेने आम्ही दिव्यांग सेंटर ही शाळा चालू केली आणि आज आमच्या शाळेमध्ये अनेक विद्यार्थी येतात, गरजू विद्यार्थी येतात, ते शिक्षण घेतात, त्यांना ट्रेनिंग दिली जाते, त्यांना विविध थेरपीज दिल्या जातात जेणेकरून त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होईल आणि ते चांगलं जीवन जगू शकेल। आमच्या शाळेचं ध्येय हेच आहे की जे गरजू मुलं आहेत, जे दिव्यांग मुलं आहेत, त्यांना फक्त शिक्षण देणं नाही तर त्यांना स्वतः आत्मनिर्भर करणं, त्याला समाजामध्ये एक स्थान निर्माण करून देणं आणि हेच आमचं सगळ्यात महत्त्वाचं मोटो आहे। मेरा नाम है पूजा और दिव्यांग सेंटर से मैं अभी पिछले एक साल से एसोसिएटेड हूँ। यहाँ पे एज अ वॉलेंटियर मैं काम कर रही हूँ एंड मेरा यहाँ पे काम करने का मकसद एक ही था कि एज अ यंग जनरेशन को भी मैं प्रोत्साहन दे सकूँ एनजीओ के साथ काम करने के लिए, बिकॉज हमारे जैसे यंग लोग आजकल सिर्फ कॉर्पोरेट्स और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे तरफ से मैं एक मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहती हूँ कि आप भी एक्टिवली ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ काम करें, एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, एक्सपोजर भी मिलेगा और सोशल वेलफेयर के लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक्चुअली अभी तक तो कोई ऐसी मदद ना सरकार की तरफ से मिली है ना कोई कॉर्पोरेट सेक्शन से मिली है, क्योंकि हम सभी प्रोफेसर्स हैं और हम अपनी तरफ से ही ये संस्था चला रहे हैं। अब तक तो अभी अपने तरफ से जो बन पा रहा है कर रहे हैं, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्शंस आए, सरकार की तरफ से हमें मदद मिले, कॉर्पोरेट से हमें मदद मिले ताकि ये संस्था हम और अच्छी तरह चला सके और बहुत सारे बच्चों को हम इसकी उपयोगिता दे सके या उसके जो भी फायदे हैं सभी बच्चों को तक हम पहुँच सकें, ये हम चाहते हैं। मगर जहाँ तक जब पैसे का सवाल आता है तो बहुत सारी हमारी भी लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि मैडम ने बोला कि हमारे यहाँ पे स्पीच थेरेपी होती है, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, हमारे यहाँ पर फिजियोथेरेपी होती है, हमारे यहाँ पर साइन थेरेपी होती है। इतनी जितनी भी थेरेपीज होती हैं उनके लिए स्पेशली डॉक्टर्स आते हैं और उनके लिए काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं और उनको हम सभी को तो ये नहीं कह सकते कि आप समाज का दायित्व है इसलिए आप फ्री ऑफ चार्ज कीजिए, तो हमें तो उनको पे करना होता है। तो ये जो भी हम अभी तक चला रहे हैं वो अपनी बलबूते पे चला रहे हैं। हम चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं वो आना चाहते हैं मगर पता नहीं है फाइनेंस जब ये आता है तो कहाँ पे हमारा समाज जितना हेल्प होना चाहिए, जो मंदिरों में मस्जिदों में खर्चा करना जानते हैं मगर ऐसे बच्चों के लिए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर खर्चा करने के लिए हम कहीं पे पीछे पड़ जाते हैं, इस बात का सच में हमें बहुत दुख होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से आपको क्या सहायता दी गई है? इन बच्चों के लिए जब हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, तो उसमें से हमें पिछले साल में दो बैचेस मिले थे जहाँ पे काफ़ी सारे दिव्यांग बच्चे थे। 60% दिव्यांग बच्चों के लिए वो बैच थी टूर एंड ट्रैवल्स की, तो वो दो बैच हमने ये किया था, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला था। और इस साल भी हमें दो बैच मिला है जहाँ पे हम 80% दिव्यांग बच्चे हैं जिनको टैली का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो हमें उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और उनके प्लेसमेंट के लिए भी उनकी तरफ से हमें काफ़ी सारे स्कीम्स होते हैं जो हमें वो बताते हैं कि यहाँ पे स्कीम है जहाँ पे वो हम दिव्यांग बच्चों के लिए प्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे उनकी तरफ से काफ़ी सारा हमें हेल्प मिलती है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अभी हमने MOU किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ और उसमें हमें सपोर्ट हुआ
पवार सर का, जिन्होंने लास्ट ईयर से हमारे साथ, वो उनका सहयोग है और वो उन्होंने आई थिंक 5-6 बैचेस हमें दिए और उनके कारण अभी तक का जो चल रहा है हमारा स्किल डेवलपमेंट वो अच्छे से सक्सेसफुली हो रहा है। और मैं होपफुल हूँ कि सर हमारे साथ बने रहे और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है वो अच्छे से 100% हम दे सके। और ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम इतना ये है कि 80% हमारे बच्चे जो है वो दिव्यांग है और उनके लिए हम अभी अलग अलग प्लेसमेंट्स ढूंढ रहे, जैसे कि अभी फरिश्ते करके एक हमने आउटलेट किया रेस्टोरेंट का, जिसमें हमारे जो स्किल डेवलपमेंट से पास आउट हुए बच्चे उन्हीं को हम प्लेसमेंट दिया है। 6 बच्चे वहाँ पर हम जॉब दे रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट उनका ऑलरेडी हुआ है वहाँ पर। नमस्ते, मैं एचजी पवार, असिस्टेंट कमिश्नर स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस सेंटर रायगढ़ अलीबाग। दिव्यांग सेंटर में मौजूदगी है आपकी, दिव्यांग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? अच्छा सवाल किया है आप लोगों ने। ये जो दिव्यांग सेंटर है, कुछ महिला है जो कि पेशे से सब डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट मतलब प्रोफेसर्स है, उन 4-5 महिलाओं ने इकट्ठा एक साथ होके ये ब्यूटीफुल टुमारो फाउंडेशन स्थापित किया है, जो दिव्यांगों के लिए काम करता है। और उस दिव्यांगों के लिए काम करने वाली एक एनजीओ है, जिसको हम, मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से, मुझे एज अ असिस्टेंट कमिश्नर, मेरी तरफ से स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चलता है जो महाराष्ट्र स्टेट चलाती है, जैसे कि प्रबोध महाजन कौशल विकास अभियान है, नेशनल लाइवलीहुड अर्बन मिशन है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक स्कीम है जो जिला नियोजन समिति द्वारा चलाई जाती है, जिसको कहते हैं जिला कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। सन 2018-19 में एनयूएलएम की तरफ से इन लोगों को 2 बैचेस दिए गए, जिससे उनको कुछ आर्थिक हेल्प हो सके, और वो जो जब पास आउट होते उनका प्लेसमेंट भी ये लोग ही देते, तभी उन लोगों को हम बचा हुआ 40% उनका हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। ठीक उसी तरह पिछले साल मैंने जिला कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भी 2 बैचेस दिए थे 2018-19 में, और इस साल भी 2019-20 में भी, खास करके 80% दिव्यांग बच्चे हो उनकी वजह से इनको और 2 बैचेस दिए, जिससे उनके कुछ आर्थिक बेनिफिट उनको मिल सके, क्योंकि ये एनजीओ है। और ये एनजीओ के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ हैंडीकैप बच्चों के लिए काम नहीं कर रही है, तो जो महिलाएँ जो वीट भट्टी पर काम करने वाले उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी काम कर रही है, जो घटस्फोटित महिला होती है, मतलब अपने पतियों ने अपने महिलाओं को छोड़ दिया होता है, उन महिलाओं के लिए भी ये एनजीओ काम कर रही है, जो विडो है जो जिनके पति गुजर गए हैं उनके लिए भी काम कर रही है, और जो बेचारी अकेली है महिला जिसका कोई सहारा नहीं है, उन महिलाओं के लिए भी ये एनजीओ काम कर रही है। और मेरा तो कहना है कि मैं अगले साल, अभी शासन निर्णय निकला भी हुआ है कि इन महिलाओं के लिए ट्रेनिंग देने वाली कोई संस्था चाहिए, तो एनजीओ इंटरेस्टेड है, इनका मेरे पास प्रोजेक्ट भी आया है, तो अगले साल में इनको 2-3 बैचेस उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला ट्रेन हो और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ऐसा एक मकसद मेरा है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। काम कर रही है ये संस्था में, काम करने वाले से भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हमारे स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि जो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, तो वही हमारा फ्यूचर है। जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेगा वो जब तक है वो हमारा स्टूडेंट ही रहेगा, उसका जो उसको फाइनेंशियली डिपेंड बनाना है वही हमारा सबसे बड़ा मोटो है। अगर ये नोबेल कॉज के लिए कोई काम करना चाहता है या अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसके लिए नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।